जय हिंद ऑब्जर्वर्स, मायसेल्फ सत्यवान मौर्य। और आज हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे। न्यूमेरिकल्स में हम लोग क्लास 12th का न्यूमेरिकल लगा रहे हैं और एग्जाम्पल नंबर 1.2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट चैप्टर हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। चलिए, इफ 10^9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम is required to get a total charge of 1 coulomb on the other body, okay? Question क्या कह रहा है? पहले question को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग solutions की तरफ चलेंगे। तो explanation of the question, explanation of the question क्या है, इसको देखते हैं। चलिए देखिए question क्या कह रहा है। जैसे एक बॉडी हमारे पास, कोई बॉडी है ए, दिस इज अनदर बॉडी वी हैव बी। एक सेकंड में इस बॉडी से इस बॉडी पर 10^9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। अगर एक सेकंड में 10^9 इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से इस बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है एक सेकंड में, तो एक 1 coulomb ऑफ चार्ज को यहां पर डेवलप होने के लिए कितना टाइम लगेगा। ओके, आइए देखते हैं। सिंस इन 1 second चार्ज ट्रांसफर कितना है जी, 10^9 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, 1.6 × 10^-19, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 10^9 × 1.6 × 10^-19, सो व्हाट वी हैव, 1.6 × 10^-10 कूलाम। इतने कूलाम ऑफ चार्ज हमारा क्या हो रहा है, एक सेकंड में ट्रांसफर हो रहा है। अब हम लोग यूनिटरी मेथड लगाते हैं। यूनिटरी मेथड कैसे होगा देखिएगा। देखो एक बात ये बताओ, अगर 1 second में, 1 second में 5 लोग जा रहे हैं, इफ इन द 1 second 5 persons आर गोइंग अदर साइड, तो आप ये बताइए 100% होने में कितना टाइम लगेगा। तो इसका मतलब 1 second में 5 persons, तो 100% होने में कितना टाइम लगेगा, 20 से मल्टीप्लाई करिए, 20 इधर 20 इधर, तो 25 100, तो 100% होने में 20 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 second, तो 100% ट्रांसफर होने में कितना टाइम लग रहा है, 20 सेकेंड। क्लियर, तो हम लोग ऐसे इसमें भी फाइंड आउट करेंगे कितना टाइम आपका लगता है 1 coulomb चार्ज कलेक्ट होने में। ओके, चलिए अब यूनिटरी मेथड से इसको लगाएंगे। देखिएगा, 1 second में 1 second इज इक्वल टू 1.6 × 10^-19 कूलाम, तो 1 coulomb कितना हो जाएगा, ये पूरी क्वांटिटी इधर आ जाएगी, सॉरी माइनस, ये आपका 10 हो जाएगा, क्योंकि यहां पे माइनस 10 है, इतना चार्ज हमारा क्या हो रहा है, 1 second पर ट्रांसफर हो रहा है, तो 1 coulomb में कितना हो जाएगा, तो ये पूरी क्वांटिटी इसके नीचे आ जाएगी, तो 1/1.6 × 10^-10 सेकेंड, 1 coulomb चार्ज होने में इतना सेकेंड लगेगा। आइए और ज्यादा सॉल्व करते हैं इसको, 1/1.6, ये क्वांटिटी ऊपर जाएगी तो -10 है, तो +10 हो जाएगा, 10^+10, इतना सेकंड हमारा लगेगा। अब यहां से 0 आप ले लीजिए, 1 coulomb 100/16, यहां पॉइंट हटाएंगे तो 10 यहां पड़ेगा और यहां पर +10 है, तो 10 जब यहां 10 आ जाएगा तो यहां पे आपका 9 बचेगा, तो इसलिए हम लोग यहां पे लिखेंगे 10^9 सेकेंड, तो 16 × 16 = 96, उसमें 4 बचेगा, 100 में 96 गया तो कितना बचा, 4, तो यहां पे पॉइंट लगाएंगे तो 16 × 2 = 32, तो आपका वहां पे 40 रहेगा, 40 में 32 गया कितना हुआ बोलिए, 8, तो 16 × 5 = 80, तो यहां पे 5 हो गया, तो ओवरऑल आपका 1 coulomb इज इक्वल टू 6.25 × 10^9 सेकेंड आपका लगेगा 1 coulomb चार्ज यहां डेवलप होने में। अब 10^9 सेकेंड कितना होता है इसको भी देख लेते हैं।
तो समझ गए ना, अगर एक सेकंड में इतना ट्रांसफर हो रहा है तो एक कूलाम चार्ज होने में इतना टाइम लगेगा, इतना सेकंड लगेगा। अब देखते हैं कितना साल लगेगा, इसको भी कैलकुलेट करते हैं। चलिए अब यहां से बताइए, वन ईयर में कितना आपका सेकंड होता है? वन ईयर में 365 डेज होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, 60 मिनट एंड 60 सेकंड। इतने सेकंड आपके किसमें होते हैं वन ईयर में? तो वन सेकंड में कितने ईयर, ये पूरी क्वांटिटी यहां नीचे आ जाएगी। तो अब वन सेकंड के प्लेस पर हम लोग ये क्वांटिटी रखी है। सो वन सेकंड में आपका कितना ईयर, 1/365 × 24 × 60 × 60 ईयर। एक सेकंड में इतना ईयर, तो यहां सेकंड के प्लेस पर हम लोग ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, देखते हैं कितना आता है। ध्यान से चलिए, तो वन कूलाम चार्ज आपका कितने ईयर में अब हम लोग निकालना चाह रहे हैं, 6.25 × 10⁻⁹ ऊपर और नीचे हमारा हो जाएगा 365 × 24 × 60 × 60 और यहां पे ईयर, इतना ईयर लगेगा। तो वन कूलाम में चलिए सॉल्व करते हैं, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आपका 2 जीरो आएगा, क्लियर? तो नीचे क्या हो जाएगा, ऊपर आपका 625 और नीचे हमारे पास 365 × 24 × 60 × 60 कितना हुआ, 3600 × 10⁹। नीचे ये 2 जीरो और ये 2 जीरो मिलाकर 10⁴ हो जाएंगे, ऊपर हमारे पास 10⁹ है, तो ऊपर 10⁴ यहां से आपका चला जाएगा, तो 10⁵ बचेगा। तो ओवरऑल यहां देखिए 10⁹ और नीचे ये वाला मिला के कितना हो जाएगा, 10⁴। तो यहां से यहां चला जाएगा तो यहां 5 बचेगा। तो अगली बार आप ये दोनों हटा के 0 × 10⁵ यहां करने वाले हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, मैं यहां से इसको रिमूव कर रहा हूं, यहां से मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, देखिएगा। चलिए वहां से देखिए, तो हमारे पास कितना आया, 1 × 625 / 365 × 24 × 36 × 10⁵ यहां पे देखिए, मैंने बोला था ना 10⁵ रखेंगे, सो वी पुट हियर। अब चलिए 5 से कट करते हैं, 5 × 125 इतना, और 5 × 7 = 35, 1 इधर चला गया तो कितना आ गया, 5 × 3 = 15, ये भी कैंसिल। अब अपने पास कितना बचा, तो 1 × 125 यहां ईयर लगाते चलिए जी, 125/73 × 24 × 36 का टेबल 24 टाइम्स कितना होता है देखिएगा, × 10⁵ ईयर। सो 1 × 125/36 × 24 कितना होता है, 36 × 4 कितना होता है, 144, तो 4 कैरी 14, 36 × 2 कितना होता है, 72, 72 और 14 कितना होता है, 86। सो यहां पे 86 लिखा जा सकता है और वी कैन राइट हियर 73। अब चलिए 73 × 864 में इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको सब मैं रिमूव कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेशन देखते चलिए बिल्कुल क्या हो रहा है, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं और ऊपर 10⁵ है, क्लियर? 73 इंटू ये कितना होता है, चलिए मल्टीप्लाई करिए, 70 + 3 और 864, देखिए आपका हो गया, हाँ 7 × 28 = 4 × 4 = 56 × 4 = 60 जहां 0 बनाइए और 3 × 4 = 5 × 8 × 9 = 25 और उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 × 9 = 8 × 7 = 5 × 9 = 0 = 2 × 3 = 6 / 73 इसका कैलकुलेशन आएगा जी। अब 125 और 125 को इस नंबर से डिवाइड करिए तो क्या आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप पे देखिएगा, 63072 मैं लिखने चल रहा हूँ। कैलकुलेशन एकदम फास्ट रखिए क्योंकि एग्जाम में हमें बहुत फास्ट कैलकुलेशन चाहिए, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ, 63072 हाँ 63 कितना था, 78 2 था। चलिए अब इसको डिवाइड करिए 125 को × 10⁵, 6307 2 / 125
नहीं जा रहा है, पॉइंट लगाइए, जीरो बढ़ाइए और यहाँ जीरो बढ़ाइए, यहाँ जीरो बढ़ाइए, फिर यहाँ जीरो बढ़ाइए और यहाँ जीरो जाएगा। अब इसका टेबल काउंट करिए, जब तक इससे छोटा ना आ जाए कितनी बार जाएगा, वन टाइम्स, तो आपका आ जाएगा 63072। 10 में से 2 गया कितना हुआ 8, 9 में 7 गया 2 और 9 में से 9 गया 0 गया 9 और 4 में से 3 गया 1, 12 में से 6 गया 6 और उसके बाद पॉइंट लगा, यहाँ 0 बढ़ा दीजिए। अब कितनी बार जाएगा इसको देखिए, तो अब हमारा जाएगा 9 टाइम्स, 9 चक 54, यहाँ 61 है तो 9 टाइम्स भेजिए, 9 दिन 18 का 88 लगे, 9 से 3 से 64 चार हासिल लगा 6, 9 0 0 6 और 9 3 27 के साथ हासिल लगा 2, 9 चक 54 2 56, जल्दी करिए, 10 में से 8 गया 2, 8 में से 4 गया, हाँ यहाँ पे 7, 7 में 4 गया कितना गया 3 और यहाँ पे 12, 12 में 6 गया 6 और यहाँ पे 8 में 7 गया 1 और यहाँ पे 105, पॉइंट लगा, यहाँ 0 बढ़ाइए। आप कितनी बार जाएगा जी, चलिए जल्दी करिए, 8 टाइम्स, क्योंकि यहाँ 51 है और 8 6 जा 48, तो यहाँ 8 बार ले जाइए, 8 दूनी 16 की 6 हासिल लगाए, 8 से 56 57 के साथ हासिल लगा 5, 8 दूनी 0 5, 8 8 3 24 4 हासिल लगा 2, 8 6 48 2 50, 10 में 6 गया 4 और 11 में 7 गया 4 और 12 में 7 गया 7 और उसके बाद 5 में 4 गया 1 1 और यहाँ कैंसिल, तो ये हमारा कितना आ गया है अप्रॉक्स, पॉइंट लगा के फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो आपका 1 टाइम्स जाएगा, तो 1 टाइम्स, तो ओवरऑल आपका ये जो फाइनल आंसर कितना आया इसका देखते रहिए जी, 1 कूलाम इज इक्वल टू ये पुट करिए 0.00198 × 10^5, इसको हटाइए और नीचे 10^5 लगाइए, 10^5 से 5 कैंसिल एंड वी हैव 198 ईयर्स। आपके एनसीईआरटी में भी बिल्कुल यही आंसर आ रहा है 198 ईयर्स। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब आप ये देखिए कि हमारे पास 1 कूलाम चार्ज को ट्रांसफर करने में अगर एक सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो 198 साल आपको लग जा रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, एक बॉडी से आपका 1 कूलाम चार्ज कलेक्ट करने में, इतना हाई अमाउंट चार्ज आपका ट्रांसफर हो रहा है तब भी, तो इसका मतलब क्या हुआ, चलिए इसको देखिए। और ये क्वेश्चन अब आप देखिए, क्वेश्चन स्ट्रेटजी देखिए, अब ये क्वेश्चन आपको ये बताने के लिए नहीं दिया था, कैलकुलेशन बड़ा है इसका लेकिन कैलकुलेशन के लिए नहीं दिया था, यह क्वेश्चन का पर्पज आप समझिए, जो हम आपसे बोलते हैं ना कि फिजिक्स ढूंढिए, यह क्वेश्चन का पर्पज यही तक आपको, यह क्वेश्चन का पर्पज बार बार ये बोल देता है, यह क्वेश्चन का पर्पज यही था कि आपको फील कराना कि 1 कूलाम ऑफ चार्ज होता कितना है, तो पर्पज आपका क्वेश्चन लिखिए, इसी को कहते हैं फिजिक्स, देखिए अब मिल गया ना क्यों ये हम लोग काम कर रहे हैं। कैलकुलेशन आप लोग भी बहुत फास्ट रखिएगा, इस बात को मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में परफॉर्म करना है, बहुत फास्ट कैलकुलेशन चाहिए। तो अब एक चीज जरा देखिए, अगर एक सेकंड में 10^9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, चलिए अब रिजल्ट पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिजल्ट, चलिए तो ध्यान से देखिएगा, 10^9 का मतलब क्या हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अगर इसका मतलब यह हुआ इतने इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में अगर आपके पास ट्रांसफर हो रहे हैं तो 200 साल लग जाएंगे आपको 1 कूलाम चार्ज कलेक्ट करने में, तो इसका मतलब यह हुआ कि ये आपको ये जो क्वेश्चन है ये आपको फील करवाना चाहता है, तो क्वेश्चन आपको फाइनल क्या करवाना चाहता है, फिजिक्स देखिए यही है, फिजिक्स ये है कि ये क्वेश्चन आपको फील करवाना चाहता है कि 1 कूलाम ऑफ चार्ज कितना होता है, तो इसको इट वांट टू फील द वैल्यू ऑफ द वैल्यू और अमाउंट ऑफ 1 कूलाम चार्ज, क्लियर, और इतना आपको एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होने में 200 साल लग जाएंगे। अब समझ में आया कैलकुलेशन और क्वेश्चन और मतलब क्वेश्चन का क्या कह रहा है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर्स में। अच्छा, हर क्वेश्चन के लिए हम लोग एक नया वीडियो बनाएंगे क्योंकि मुझे क्वेश्चन में डिस्कशन भी करना होता है, ठीक है, तो इसलिए आप लोग इन सारी चीजों को ध्यान से समझिएगा, तो मिलेंगे। और अब यहाँ पे कैलकुलेशन वाला काम हो रहा है बहुत फास्ट तरीके से, इसलिए आप लोग भी एकदम प्रिपेयर हो जाइए, ठीक है, तो चलिए चलते हैं फिर, मिलेंगे अगले लेक्चर्स में, थैंक यू।